देश का दिल दिल्ली और दिल्ली का दिल फिर नाटी हर हर महादेव। दोस्तों कैसे आप सभी, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो मेरा नाम है छुपर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल छुपर ब्लॉग्स में। तो अभी जैसा आपको पता है, अगर आप मेरे ब्लॉग्स लगातार देख रहे हैं तो मैं अभी दिल्ली शिफ्ट हो चुका हूँ। सो आज हम जा रहे हैं दिल्ली में खरनाट प्लेस घूमने के लिए। और जहाँ तक मेरा मानना है, जो खरनाट प्लेस है ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं घूमने के लिए, तो हम भी बहुत दूर से आए हैं यहाँ पर घूमने के लिए। और इट्स ऑल अबाउट शॉपिंग। जो खरनाट प्लेस है ये ज़्यादातर तो फेमस है, वो एक तो वहाँ पर जो वाइट कलर के पिलर हैं उनको लेकर ज़्यादा फेमस है। और वहाँ पर ना एक मतलब अलग ही अट्रैक्शन है मार्केट को लेकर। वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मार्केट है, मीन्स खरनाट प्लेस पूरे एक मार्केट है। वहाँ पर हर एक तरीके की एक्सेसरीज आपको मिल जाएगी। तो ज़्यादा नॉलेज मेरे को भी नहीं है, तो चलो चलते हैं और वहाँ पर दिखाते हैं आपको क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो ब्लॉग में बने रहिएगा एंड प्लीज़ 1000 सब्सक्राइबर करा दो प्लीज़ मैन प्लीज़। चलो चलो मेरे साथ। दोस्तों मैं अभी जैसा आपको बताया, मैं लोनी में रहता हूँ, तो लोनी से मैं आया हूँ राजीव चौक। तो ये राजीव चौक का मेट्रो स्टेशन है, ये देखो कितना बड़ा है भाई साहब, स्ट्रेट एंड बिग वे। मुझे अभी तक इससे बेस्ट मेट्रो स्टेशन नहीं लगा। मैं भी 4-5 दिन से मेट्रो स्टेशन घूम रहा हूँ। ये सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन है राजीव चौक। राजीव चौक में कर्नाट प्लेस है। खरनाट प्लेस आप मेरे पीछे देख सकते हो बैकग्राउंड में, हम खरनाट प्लेस पहुंच चुके हैं। और एक खास और बात बताऊं, हम जैसे यूट्यूबर यहां पर बहुत सारे आते हैं, जैसे रिच धवन हो गई, एक मैं जानता हूं यश चौधरी करके पैंग स्टार है, पारस ठकराल है, वे सारे जितने भी आज बड़े बड़े यूट्यूबर बने बैठे हैं वे सारे इसी खरनाट प्लेस के लिए हैं। तो हम भी वहीं से सफ़र शुरू कर रहे हैं जहाँ से उन्होंने शुरू करा था। तो ये मेरे सामने पालिका बाजार है और यहाँ है सीपी की बिल्डिंग, जो भी खरनाट प्लेस बोला जाता है। तो अब चल रहे हैं बिल्कुल सामने। हमारे इंडिया की सबसे फेमस जगह है खरनाट प्लेस। बहुत जिक्र सुना था इसका और आज देख भी लिया। यहाँ पे जितने भी यूट्यूबर्स आते हैं सब यहीं से निकल के आए हैं, यहीं पे प्रैंक शूट करते हैं, यहीं पे वीडियोस बनाते हैं, कोई ना कोई शायद हमें भी मिल जाए। फिर देखो ये इधर इसकी पार्किंग है खरनाट प्लेस की, यहाँ पर आप अपनी बाइक कार जिस व्हीकल से भी आप आते हो यहाँ पर पार्क कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप आते हो तो मैं अभी ये जगह एक्सप्लोर कर रहा हूँ, यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस किया, इट्स ऑल अबाउट शॉपिंग। यहाँ पे एक से एक ब्रांडेड कपड़े हैं, एक से एक ब्रांडेड शूज़ हैं, जो भी वुमेन एसेसरीज रहती हैं सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये इट्स ऑल अबाउट शॉपिंग।
अगर आप शॉपिंग करना चाहते हो, शादी के लिए शॉपिंग करना चाहते हो, बर्थडे के लिए शॉपिंग करना चाहते हो, सो यू मस्ट विजिट हेयर। अगर आपकी जेब में पैसे हैं उसका भी ध्यान बहुत विशेष तरीके से रखना, क्योंकि यहाँ पर ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड जींस, ब्रांडेड शर्ट ज़्यादा मिल रही है। और उधर पालिका बाजार है, पालिका बाजार में अभी हम गई नहीं है क्योंकि वो थोड़ा सा अंदर है और अभी हम कर्नाटक प्लेस घूमने के लिए आए थे, तो बस देश का दिल दिल्ली और दिल्ली का दिल सिटी। भाई इतनी बेहतरीन लोकेशन है दिल्ली में, मुझे लगता है इससे प्यारी लोकेशन कोई और भी होगी। क्राउडेड एरिया है और आज ना सैटरडे है, संडे सैटरडे आप दिल्ली में अगर जॉब करते हो तो उसमें क्या होता है, संडे सैटरडे ऑफ रहता तो घूमने के लिए ज़्यादातर तो कपल्स ही आ रहे हैं, वो वैलेंटाइन भी चल रहा है। ये देखो बहुत बेहतरीन लोकेशन है भाई साहब, स्ट्रीट फूड यहाँ का ज़रूर ट्राई करना, भेलपूरी ऑसम सॉस में। ब्रांडेड शूज़, ब्रांडेड कपड़े, जितने से भी बड़ा ब्रांड है वो यहाँ पर मिल जाएगा। ये एक शॉपिंग मॉल समझ लें आप, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और घूमने के लिए, टाइम पास करने के लिए, आँखें सेकने के लिए, इससे बढ़िया जगह मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में होगी। बेस्ट प्लेस आई हैव सीन मैन, कर्नाट प्लेस। हाँ भी घूमते घूमते परेशान हो जाओगे, इतना बड़ा सिटी है, बहुत बड़ा कर्नाट प्लेस, वो 3-4 किलोमीटर, पता नहीं मैं भी पूरा नहीं घूम पा रहा हूँ। बेस्ट प्लेस है दोस्तों कर्नाट प्लेस, घूमने के बाद 1-2 घंटा घूमने के बाद कर्नाट प्लेस इज फकिंग क्रेजी, बहुत अच्छी जगह है, आओ फैमिली के साथ। और एक सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, ये जो कर्नाट प्लेस फेमस है, बस यहाँ पे शॉपिंग के अलावा कुछ नहीं है, हर चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी, सारी एसेसरीज़ मिल जाएंगे। 1 लाख तक के जूते, 80,000 के तक के जूते, 3-3 लाख रुपए तक के जूते देखे मैंने यहाँ पे अंदर मार्केट में कर्नाट प्लेस पे। और वन प्लस के शोरूम हैं, एप्पल के शोरूम हैं, बाइक की एसेसरीज़ है, हर तरीके का आपको यहाँ पर ब्रांड मिल जाएगा, एक से एक बड़ा ब्रांड है यहाँ पर, है ना। और देखो कर्नाट प्लेस के बराबर में एक छोटा सा पार्क है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये हमारा शायद इंडियन फ्लैग आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर इंडियन फ्लैग है, ये दिख रहा होगा शायद, मैं दिखाऊँ, ये देखो। और ये पार्क, ये देखो पार्क कैसा, कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे मैंने कई बार इस पार्क को अभी तक उसमें देखा यूट्यूब पे, आज सामने लाइव देख रहा हूँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है, इसकी खूबसूरती बड़ी प्यारी है। ये देखो बीच में कैसा बना रखा, साइड से पानी चलता है इसमें जो भी अभी कम है, देखो कितना गंदा भी कर रखा है, गंदा भी यहाँ पे आने वाले खा पी के यहीं गिरते थे, नहीं तो बहुत अच्छी जगह है, बहुत प्यारी जगह है। जैसे फरवरी चल रहा है तो यही कपल्स वगैरह हैं ज़्यादातर, फैमिली के साथ भी हैं, फैमिली के साथ बहुत कम हैं, कपल्स ज़्यादा हैं घूम रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ ऐसी पप्पा की परियाँ देखी मैंने, वीडियो बनाने के पैसे ले रही, पैसे तो हमारे साथ, और हमारे साथ ब्लॉग कर लो यार, भागें से भैंस क्या हमारे। सो ये ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, नाइस टू यू, बाय, चाओ, नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।